मन का फेर के मन की आंखें खोल, मतलब आपको अपने भविष्य के बारे में, हर एक बच्चे में कुछ बहुत अच्छे गुण होते हैं, उन गुणों का जो टीचर होता है, जो अध्यापक होता है, वो पहचान सकता है, उसको अगर निखारा जाए तो वो अपने प्रोफेशन के अंदर, जरूरी नहीं है पढ़ाई लिखाई के अंदर, आज की डेट में हरियाणा जो है खेल कूद के अंदर नंबर वन है, इसी तरीके से कल्चरल आइटम्स हैं और बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। और उन्होंने आखिर में जो एक शब्द कहे, उसमें कहा उन्होंने कि अभी बहुत मंजिल बाकी है, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे दो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ MVN यूनिवर्सिटी के बारे में। मैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में पढ़ा हूँ, वहाँ के और भी कई अध्यापक यहाँ पर पढ़ाते हैं, प्रोफेसर पाठक बैठे हैं, वहाँ पर तीन यूनिवर्सिटी हैं सरकार की, पलवल में एक भी नहीं थी। MVN यूनिवर्सिटी ने यहाँ के छात्रों के लिए, इस इलाके के छात्रों के लिए ये कमी पूरी की। MVN विश्वविद्यालय में MVN मैनेजमेंट की ओर से अभी वाइस चांसलर सर, प्रो वाइस चांसलर सर दोनों ने आपका स्वागत किया, हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। MVN यूनिवर्सिटी जैसा आपको बतलाया गया, आपके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको किस मार्ग को चुनना है और उस मार्ग पर किस प्रकार से चलना है। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है बेटा, स्टार्टिंग से अगर आपने स्कूल्स के इनके नाम सुने होंगे, फरीदाबाद के अंदर ये बहुत पॉपुलर है, ठीक है ना। और MVN यूनिवर्सिटी अगर मैं बात करूँ 2012 से, कॉलेज इनका 2008 से था, 2012 से यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, और 2015 से स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे बेटा बी फॉर्म, एम फॉर्म और PhD, मीन्स रिसर्च लेवल तक का भी काम यहाँ पे होता है। तो मीन्स आप लोग जब एडमिशन लेंगे तो आपको खाली एक चीज़ नहीं है कि आपको खाली डिग्री या डिप्लोमा करके जाना है, साथ में मास्टर डिग्री और साथ में उसके बाद PhD है, और सीधा आप फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले सेंटर्स में ही जाएं। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, आप लोग अगर फार्मेसी को ऑप्ट करेंगे तो आप सब लोगों को अच्छे से अच्छी कंपनीज के अंदर प्लेसमेंट मिले, और आप लोग अच्छा अपना खुद का भविष्य चुन सकें कि आप लोग किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। स्कोप प्रस्पेक्टिव की बात करें, आज शायद आपको डिस्कस करने लगेंगे, एक दिन में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप लोगों के इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, आप कभी भी कॉन्टैक्ट करके उनको बोल दीजिए स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज।